शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ के बाद पहली बार अपने रिलेशनशिप के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में, शहनाज हैशटैग के बारे में आखिरकार क्या कुछ कहा है, चलिए पूरी अपडेट हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद जहाँ एक तरफ पूरे नेशन को शॉक लगा था, तो वहीं शहनाज गिल भी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी दिनों तक परेशान रही थी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे, जैसा कि शहनाज गिल हमेशा कहती हैं कि सिद्धार्थ को उनका मुस्कुराना हमेशा पसंद आता था, इसलिए वो हंसने के लिए, खुश रहने के लिए हमेशा ही कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेती हैं और खुश जरूर रहती हैं, वो भी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। वेल, आपको बता दूं कि अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर शहनाज गिल ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जहाँ कि शहनाज गिल कहते नजर आई हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला हैशटैग सिद्धनाज ये सारे बस हैशटैग्स हैं बाकी लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए ये मेरी पूरी दुनिया है। जहाँ उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर जितनी भी यादें हैं वो कभी भी उन चीज़ों को नहीं भुला सकती हैं, मरते दम तक उन चीज़ों को भूल पाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मरते दम तक उनके लिए इन चीज़ों को भूल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। साथ ही साथ शहनाज गिल ने ये भी कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो कभी भी उन चीज़ों को नहीं भूल सकती हैं और साथ ही साथ उन चीज़ों को कोई भी चीज़ें बदल भी नहीं सकती है। इट मीन्स कि शहनाज गिल के ज़िंदगी में चाहे कितनी भी खुशियाँ आ जाए, कितनी भी चीज़ें हो जाए, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी हुई जितनी भी खुशी शहनाज गिल को मिली है वो शहनाज गिल के लिए काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, अनोखी है और हमेशा यादगार रहेगी। आपका क्या कुछ कहना है शहनाज गिल की इन बातों को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।